यार वो जब कुर्ब हो, मसलन आप मेरे पीर भी बैठे हैं ना, आप वहां भी तो बैठ सकते थे, व्हाई यू सिटिंग हियर फॉर इमाम टू टू लिसन टू स्टे क्लोजर मिन दे मसलन इमाम हियर और ओवर देयर, यहां वो तो यहां खड़े होते हैं, वहां वो तो वहां खड़े होते हैं, यहाँ क्यों खड़े हो जाते हैं, ये भी तो मसला ही है ना, यहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है, जहां इमाम खड़ा है वहां पीछे खड़े को सवाब ज्यादा मिलेगा, पता चला बंदे के सवाब से अल्लाह राजी होता है, तो बंदे को दिमाग से क्यों निकालते हो, वही यू ठीक ठीक माउट फ्रॉम देयर, सो यू हैव टू बी क्लोज टू समबडी, सो डॉक्टर साहब आई इज नॉट अलाइव एनी मोर, बाय द पीपल आर लिसनिंग टू दिस सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू नियर टू यू एंड यू यू फील कंफर्टेबल एज द पीपल आर योर क्लोज वंस नियरस्ट वन दे विल बी विद यू, समझ आ गई बात, जो उन गुनी को मेक सैक्रिफाइस ऑफ द और या अल्लाह ऑन द शिवान एज़ वेल, क्या मतलब होगा, लाइक द चाइल्ड हम कहते हैं अल्लाह ये जो बच्चा नो मौलूद है इसका सर सदका इसकी तरफ से इसको ज़िबा कर रहे हैं किसी अल्लाह के नाम पर, दैट्स व्हाट द इंटेंशन विल बी, जब वली अल्लाह के लिए करेंगे तो कहेंगे अल्लाह जो साहब मजार हैं दादा की वजह से यूरी ले लें, कोई अजमेरी ले लें, किसी बुजुर्ग का नाम ले लें, अपने माँ बाप का कर लो, एनी वन ऑन देयर बिहाफ या अल्लाह डूइंग ऑन द नेम ऑफ अल्लाह सुभान व तआला, व्हाट्स द शिर्क इन देयर, दे आर कंफ्यूजिंग पीपल इन दिस सेंस, वी ट्राई टू टेक द कंफ्यूजन आउट, कि हम उनकी तरफ से कर रहे हैं और ये लोग हाजतमंद हैं, अल्लाह हाजतमंद नहीं है, अल्लाह इज नॉट नीडी, वी विल नीड रिवॉर्ड, इवन इफ यू हैव द नफ रिवॉर्ड एज़ वेल स्टिल इज मोर नीडेड, मोर इज बेटर, ठीक है जी, लिहाजा अगर फातिहा में भी खाना सामने रखकर इसारे सवाब हो तो क्या हाल है, टू पुट द फूड इन फ्रंट ऑफ अस इन फातिहा, व्हाट्स रॉन्ग विद इट, दैट्स व्हाट आवर क्वेश्चन एंड आवर टॉपिक, बिस्मिल्लाह से खाना शुरू करते हैं और बिस्मिल्लाह भी कुरान शरीफ की आयत है, यू स्टार्ट द फूड विद बिस्मिल्लाह फॉर अ वीक, अच्छे मुसलमान क्या कहते हैं, बिस्मिल्लाह करो जी, वो ये नहीं कहते खाना शुरू करो, ये भी तो कह सकते हैं ना, लेकिन क्यों नहीं कहते, कभी सोचा है, बिकॉज दे रिमाइंडिंग यू टू से बिस्मिल्लाह, ये याद किया खाने के लिए जी, बिस्मिल्लाह करो जी, भले अल्लाह का नाम लेके शुरू करो, यू नो व्हाट इट मींस दैट टू बिगिन विद नेम ऑफ अल्लाह सुभान व तआला, दे रिमाइंडिंग यू, नाइस वे ऑफ रिमाइंडिंग, वेरी गुड, दैट्स व्हाट वी शुड रिमाइंड ईच अदर फ्रॉम द गुड डीड्स एज़ वेल गुड थिंग्स, और दिस इज पार्ट ऑफ द कुरान एज़ वेल, बिस्मिल्लाह शरीफ इज नॉट पार्ट अकॉर्डिंग टू अस इज नॉट पार्ट ऑफ एवरी सूरा, इज फॉर द सेपरेशन, तफसीर उसको फसल करने के लिए लिखा, लेकिन इमाम शाफी और दूसरे आइमा के नजदीक ये उसका हिस्सा बनती है, इसलिए उसको बिलजार पढ़ते हैं, अगर कोई बिलजार पढ़े वो शाफी है दूसरे इमाम के मजहब पर है, उसको बुरा ना कहना, वी बिलीव इज पार्ट ऑफ द कुरान बट नॉट पार्ट ऑफ एवरी सूरा, समझ, वो कहते हैं कि हर सूरत के जवाब हैं, हर सूरत के पहले जब सूरत नाजुल हुई पहले नाजुल हुई है साहब फिर नाजुल हुई है, हम कहते हैं फिर नाजुल इसलिए नहीं हुई कि वो दोबारा नज़ूल का मकसद था, वो कुरान पढ़ा जाने लगा था इसलिए बिस्मिल्लाह कही है, दिस इज द रीजन ऑल्सो रिसाइटेड बाय जिब्राइल में नॉट बिकॉज इट बीन रिवील्ड अगेन, सो मफहूम कोई नहीं, समझ गए, वन वे द अदर, इसी का देर से गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ साइड्स, इसलिए कहते हैं चार आयमा में से किसी एक को कबूल कर लो, इसके अलावा कबूल करोगे कभी कबूल नहीं करेंगे, एक्सेप्ट एनी वन ऑफ ऑल नॉट अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है जी, अगर खाना सामने रखकर कुरान पढ़ना मना हो तो बिस्मिल्लाह पढ़ना भी मना होना चाहिए, इफ इट्स इलीगल टू डू बिसाइड द कुरान व्हाइल पुटिंग द फूड इन फ्रंट ऑफ यू देन यू शुडंट से बिस्मिल्लाह ईदर, यू शुड यूज द लॉजिक, द जो लॉजिक इज देयर, अगर दे मानिन के पेशवा भी फातिहा मरवजा को जायज समझते थे, आप ये अगले हफ्ते अगर आप आएंगे तो पीपल हु आर ये शाहबलीला साहब देखो नहीं कि ये इनके बेचारों में कन्फ्यूजन है, ये किताब बाद जगह किताबों में मना करते हैं, बाद में जायज लिख रहे हैं, इनके आइमा भी यही काम कर रहे हैं, मना करते हैं ये ना करो, जाके फातिहा पढ़ लेते हैं, खाना भी खाते हैं नजराना भी लेते हैं, और बदनाम हमको करते हैं, हमको कहते हैं फातिहा वाले लोग हैं, इनके पेड़ के इनके बड़े हुए इनके फातिहा वाले लोग, आई जस्ट भाई गो मैंने जॉनों पहले बता चुका फ्यू ईयर अगो एंड चार्टन देयर इज वन ऑफ द पर्सन फ्रॉम बिहार इंडिया इन ओल्ड डेज इन पाकिस्तान, तो वैसे जिक्र करते हैं अपना सी में कह रहा हूँ, सो टू मी मेरे नज़र में वो एक अच्छे पाकिस्तानी है, एक अच्छे मुसलमान है, बुजुर्ग आदमी है, ही को टेकिंग मी होम ऑन मिलाद शरीफ डेज एंड व्हाट हैपेंड दैट हिज डॉटर एंड फ्यू अदर फैमिली मेंबर वर देयर एज़ वेल इन द रूम, शी केम एंड सैट ऑन द साइड देयर एंड आस्क्ड मी वेरी क्वाइटली एंड वेरी फीलिंगली कि खत्म शरीफ का कितना खर्चा आएगा जी, How much going to cost me to do the Saleh Sahab al-Khatam? By God, if you ask me what was my feeling, I wish I would have drowned in the ground. And nobody will see me after that. And I was, in anger as well, embarrassment as well, everything was there for me. So, the Bibi, aapko ye kisne kaha ke Saleh Sahab ke liye itna kharcha hota hai? लोकल मस्जिद में गई थी, उन्होंने कहा, मैंने कहा लोकल मस्जिद का जहां जो आप रह रही हैं उसका खतीब तो मैं हूं,
मैं नहीं खरीद, इसके काबिल नहीं हूँ, नॉट गुड फॉर दैट।